हरता दुख हरता वरता विघ्नाची। चतुर्थी पर 51 किलो के लड्डू का लगा भोग, 151 दीपकों से हुई महाआरती। बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में 7 सितंबर को गणेश जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय गणेश महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित चंदू राम शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को अखंड रामचरितमानस व भजन संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रामचरितमानस पाठ का भोग 7 सितंबर को सुबह 10:15 पर डाला गया एवं 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे सर्वप्रथम गणेश पूजन, 151 दीपकों से महाआरती एवं सवामणि का महाप्रसाद का भोग लगाया गया। बता दें कि 1 बजे भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई। 17 सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः गणेश पूजन में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक महिला मंडली द्वारा बाबा का गुणगान किया जाएगा और प्रतिदिन शाम 7 बजे महाआरती भी होगी। बता दें कि भगवान गणेश महोत्सव के सफल आयोजन में आम जनवा श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। आज भगवान गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमने भगवान गणेश जी के कल रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाया, अभी भोग डला है और गणेश जी की 151 दीपों से ज्योत करवा दिया, आरती करी और सवामणि का भोग लगाया। अभी भगवान का अभिषेक हुआ है, श्री सुक्त और पुरुष सुक्त का पाठ हुआ है, हवन यज्ञ हुआ है। ये कार्य संचार रूप से 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को हम भगवान गणेश जी का विसर्जन करेंगे। हनुमानगढ़ रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर ओवरब्रिज के नीचे गणेश उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और आए हैं और जा रहे हैं। गणेश जी से अपनी मनोकामना मांग के गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी भी कर रहे हैं और महिला मंडल के द्वारा 7 तारीख से और 17 तारीख तक रोज़ सायं 5 से लेके 6:30 बजे तक कीर्तन भी रखा गया है।